हेलो गाइस, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस, वेदर बहुत कमाल का हुआ हुआ था और मैं छत पर वॉक करने आई हुई थी। इस वक्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम हुआ हुआ है। सुबह उठी, काम शाम किए, उसके बाद पीसफुल एनवायरनमेंट में इतने अच्छे वेदर को इन्जॉय करने में ऊपर आ गई थी। फिर सोचा रोज़ा रखा था, थोड़ा कोई नए काम कर लें, तो मैंने बर्ड्स को खाना दिया। इसके अलावा फिर मैंने पौधों को पानी दिया। एंड आई लाइक प्लांट्स। मेरे घर में पहले बहुत सारे प्लांट्स होते थे, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी की बिजी रूटीन में मेरे प्लांट्स बस इतने से रह गए। अब दोबारा से मैं सोच रही हूँ कि अपने इस शौक को दोबारा से रीन्यू करती हूँ। एंड आई लव टू स्पेंड माई टाइम विद नेचर। जितनी भी मर्जी बिजी रूटीन क्यों ना हो, आप जितने भी थके हों, हर टेंशन ख़त्म हो जाती है जब आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इट्स अ वेरी गुड हॉबी। सो आई सजेस्ट कि आप लोग भी अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट करें एंड अपनी लाइफ का कुछ टाइम अल्लाह ताला की नेचर को एक्सप्लोर करने में गुजारें। सो गाइस, काफ़ी देर हो गई और अब मैं चलती हूँ नीचे, और नीचे जाके जी काम शाम देखते हैं। आज मैंने यूनिवर्सिटी से ऑफ किया था, तो मैं लेट ही उठी थी और काफ़ी देर से ऊपर थी। नीचे जाके मैं पढ़ाई करूँगी क्योंकि मेरे पेपर जाने वाले हैं एंड मुझे एक लफ्ज़ भी नहीं आता। सो गाइस, नीचे आके मैंने स्टडीज़ वगैरह की। ये बात तो सही है कि इल्म में एक रोशनी है और मुझे अंधेरा पसंद है, बस बात ही ख़त्म। पर ये सब रूमर्स हैं कि यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना नहीं पड़ता। भाई, यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ता है, बस डिफरेंस ये है कि आपको खुद पढ़ना पड़ता है और यूनिवर्सिटी जाने का मकसद सिर्फ अटेंडेंस होता है। गाइस, तुम लोगों को बताती चलूँ कि कल हमारे घर है बड़ी अफ्तारी और उसके लिए भी मैंने ग्रोसरी करने भी जाना है, और उससे पहले थोड़ी सी स्किन केयर कर लेते हैं क्योंकि कल काफ़ी केस टाइम है और यूनिवर्सिटी जा जाके मेरी स्किन टैन हुई हुई है और मेरे पास पार्लर जाने का भी टाइम नहीं है। सो फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही कमाल की रेमेडी है जो कि मेरी फ्रेंड ने मुझे बताई है, और मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों के साथ भी उस रेमेडी को शेयर करूँ। सो बहुत होगी पढ़ाई, इसको बंद करते हैं। और क्योंकि गलती से आज मैंने अपनी बुक्स को खोल दिया था, तो इन्हें वापस उसी जगह पर रखते हैं जहाँ इन्हें होना चाहिए, और ये 4 साल से हैं, 4 साल से मेरी कबर्ड में पड़ी हैं और फजूल में जगह ली हुई है इन्होंने। सो गाइस, आज मैं तुम लोगों के साथ एक बहुत ही फ़ायदेमंद रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिससे तुम अपने फेशियल हेयर घर पर रिमूव कर सकते हो और परमानेंटली रिमूव कर सकते हो। एंड इसके लिए हमें चाहिए 1/2 कप वाटर, 1/2 कप रॉ मिल्क, 2 स्पून हमें इसमें शुगर चाहिए, इसके अलावा 1 टेबल स्पून इसमें हमें कोकोनट ऑयल चाहिए, 1/2 से भी कम स्पून हमें टर्मरिक पाउडर, और 1 टेबल स्पून इसमें हमें बेसन चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे, फ्लेम को हम लो रखेंगे। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक बाउल ले लेना है, उसके बाद उसमें वाटर और रॉ मिल्क जो हमने 1/2 कप लिया था वो ऐड कर देंगे। इसके बाद हमने इसको पकाना है, इतना पकाना है कि हमारा जो मिक्सचर है ये हाफ रह जाए, ये पक रहा हो। तो साथ ही इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून शुगर ऐड कर देनी है, और शुगर ऐड करने के बाद फिर से इसको हिलाते जाने हैं और पकाते जाने हैं। सो शुगर मैंने इसमें ऐड कर लिया, और इसके बाद मैं इसको फिर से मिक्स करूँगी और इतना हिलाऊँगी कि ये हाफ हो जाए और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जाए। एक टिप यहाँ पर ये है कि आप इस सारे मिक्सर को पका के और जब ये हाफ हो जाए तो इसको सेपरेट कर लें और फिर इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स बाद में डालने हैं वो डालें। लेकिन मैं यहाँ पर साथ डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम है। अगर आप चाहते हैं कि ये ठीक से बने और अच्छे से काम करे, तो इसकी कंसिस्टेंसी आपने याद से थिक रखनी है। एंड गाइज, 1 थिंग मोर, कोई भी चीज़ इतनी इमीडिएट इफेक्ट नहीं देती अनटिल अनलेस वो कोई ऐसी प्रोडक्ट ना हो जो आपकी स्किन को हार्म करे। सो इस तरह की जो होम रेमेडीज़ होती हैं, इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और मैं ये नहीं कह रही कि इसको एक बार यूज़ करने के बाद आपको हमेशा के लिए फेशियल हेयर से निजात मिल जाएगी। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। इसको कॉन्टीन्यूसली यूज़ करेंगे तो आपके फेशियल हेयर कम होना शुरू हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा इसका फ़ायदा ये भी है कि इससे आपके फेस पर ग्लो आता है, बिकॉज एज वी गाइज नो कि टर्मेरिक पाउडर जो है एंटी बैक्टीरियल है और ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसी तरह बेसन, जब पहले टाइम में सोप्स इन्वेंट नहीं हुए थे तो लोग इसी को शावर वगैरह के लिए या फेस वॉश के लिए यूज़ करते थे। सो गाइज, ऐसा ऐसा ठीक होना शुरू हो गया है, इसको मज़ीद पकाएंगे, और जब तक ये बनता है हम अपना बाउल निकाल लेते हैं जिसमें हम इसको निकालेंगे। तो यार, बाउल मैंने निकाल लिया, इसको रखती हूँ, और यहाँ पर हमारे मिक्सचर में बॉयल आना भी शुरू हो गया है। जब तक ये हो रहा है मैं अपने दूसरे काम कर लेती हूँ, रूम शूम सेट कर लेती हूँ, और यहाँ पर हमारा मिक्सचर हाफ रह गया, थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा और पकने देते हैं, उसके बाद इसमें चीज़ें डालना शुरू करते हैं। यार चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसन ले लेते हैं, इसका 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ऐड करते करते साथ साथ इसको हिलाते भी रहना है। अब टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टेबल स्पून से भी कम, एंड कोशिश करेंगे इट्स स्वेलिंग गुड। ओके, सो हल्दी के बाद हम इसमें कोकोनट ऑयल ऐड करेंगे। कोकोनट ऑयल को मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून ले लिया। कोकोनट ऑयल भी मेरे पास बिल्कुल प्योर कोकोनट ऑयल है, मैं तुम लोगों को पहले भी बताया हुआ, और ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। सो यहाँ पर मैं कोकोनट ऑयल ऐड कर रही हूँ,
इसको भी इसमें डालकर फिर से मिक्स करेंगे अच्छे से। इतना पकाएंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी हार्ड हो जाए और ये एक अच्छी सी क्रीमी क्रीमी लुक दे एंड एक फाइन सा पेस्ट बन जाए। इस रेमेडी को आपने परमानेंट यूज करना है और फिर इफेक्ट जो है आप वो खुद देखेंगे। इससे ना सिर्फ आपके फेशियल हेयर रिमूव होंगे बल्कि आपके डेड सेल्स जो है, डेड स्किन सेल्स, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, वो भी रिमूव होंगे एंड आपकी स्किन जो है वो ग्लो करेगी। सो आप भी इसको ट्राई कीजिए एंड अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो गाइस ये ठीक हो चुका है, अब इसको मैं स्टेन कर लेती हूँ। स्टेनर ले लेंगे यहाँ से एंड नाउ हमारा फेस पैक बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको जल्दी से निकाल लेते हैं और अप्लाई करते हैं। और साथ साथ ये जो काचू कूड़ा मैंने फैलाया है इसको भी जल्दी से क्लीन कर लेते हैं, नहीं तो मुझे मामा से डांट पड़ेगी और मामा को बिल्कुल नहीं पसंद कि उनकी किचन को कोई गंदा करे। सो फटाफट से इसको साफ कर लेते हैं, सारी चीजों को उठा के उनकी जगह पे रखते हैं और साथ साथ अच्छे से किचन को क्लीन कर लेते हैं। सो गाइस दिस इज आवर फेस पैक फॉर फेशियल हेयर रिमूवल एंड ग्लोइंग स्किन एंड फॉर डेड सेल रिमूवल, डेड स्किन रिमूवल। तो गाइस चलो इसको लेकर चलते हैं और अप्लाई करते हैं। और अप्लाई करने का तरीका मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि तुम लोगों ने जहाँ पर भी इसको अप्लाई करना है, फेस पर, हैंड्स पर, वहाँ पर तुमने इसकी थिक सी लेयर लगानी है और उसके बाद इसको तुम लोगों ने रब करना है, मसाज करना है और फिर ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो तुम लोगों ने इसको रब करना है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ योर फेशियल हेयर एंड देन इसको वॉश कर लेना है। तुम लोगों से वॉश करने के बाद मिलती हूँ। तो गाइस वॉश वगैरह मैंने कर लिया था, इफ्तारी का टाइम हो गया था और अब रोजा भी खुल चुका है, तो अब इफ्तार करते हैं। मैं अपनी प्लेट रेडी करती हूँ और तुमसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में एक बहुत ही मजेदार वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना एंड वन मोर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू शेयर माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इंशाल्लाह विल बी राइट बैक विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।